नमस्कार, मैं हूं अमित पाटीदार और आप देख रहे हैं मेरे साथ कार्यक्रम सेहत। अब सेहत कार्यक्रम की जरूरत पड़ी क्यों हमें? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं नित नई महामारियां, नित नई बीमारियां हमारे सामने कहीं ना कहीं आती जा रही है। अब इन बीमारियों ने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया है कि हमें कैसे रहना है और क्या करना है। एक छोटी सी कहानी मुझे आज याद आ गई। अचानक किसी दिन एक पहलवान के सामने अगर मुझे खड़ा कर दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि आप इससे कुश्ती लड़ो, उसी दिन अगर मैं दंड बैठक लगाना पहले दिन से शुरू करता हूँ तो क्या मैं उससे लड़ पाऊँगा? नहीं, मैं पिट जाऊँगा। ना केवल मैं पिट जाऊँगा बल्कि वो मुझे खूब पीटेगा, खूब मारेगा। कारण कारण यह है कि मैंने उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं करके रखी है। ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम केवल इसलिए है कि हम एक्सपर्ट्स की राय लें और सीखें कि किसी भी बीमारी के लिए पहले से हमारे शरीर को तैयार करें कैसे। अभी जैसे कोविड के केस में हम सुन रहे हैं कि कोरोना उन्हीं को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कोरोना उन्हीं को हो रहा है ज़्यादा, ये बात सच भी है। अब अगर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लें, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लें, अपनी इम्यूनिटी को हार्ड इम्यूनिटी बना लें और थोड़ी सी सावधानी रखें, जैसे चल रहा है मास्क है ज़रूरी, दो गज की दूरी, जो भी सावधानी रहती है, हमेशा उन सावधानियों का उपयोग करें, प्रयोग करें, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से कह सकता हूँ कि हम ना केवल कोरोना से लड़ेंगे बल्कि इसको उठा के पटक भी देंगे, जीत भी जाएंगे। आज इसी कार्यक्रम के तारतम्य में हमारे साथ है होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष सोनी। अब हम उनसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें रहती है या कौन सी दवाइयां हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो हम करें जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, जिससे कि हम अपने आचार आहार विहार और व्यवहार में उन चीज़ों को सम्मिलित करके अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छे से हार्ड कर सकें और जीवन भी बीमारी रहित बिता सकें। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, जैसा आप देख रहे हैं अभी कोविड की बड़ी समस्या चल रही है, कोविड के बाद एक और नई चीज़ अभी सुनने में आ रहा है, ब्लैक फंगस। जी बिल्कुल, ये वो नाम है जो हमने कभी नहीं सुने थे और अचानक हम सुन भी रहे हैं और इनके दुष्प्रभाव भी देख रहे हैं। तो क्या करें हम जिससे कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो सके और साथ में जीवन में, अब आपाधापी तो लगी है, हमेशा लॉकडाउन रह नहीं सकता, हमेशा हम घर में रह नहीं सकते। अभी हमने इस कोविड में एक चीज़ का और अनुभव किया है कि बुजुर्गों से ज़्यादा इसने अटैक किया है युवाओं पे। अब युवा वो है जिसको घर से बाहर भी जाना पड़ता है, जिसको काम धंधा भी करना होता है, तो सावधानी तो वो ले ही लेगा लेकिन इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए और अपना ख्याल किस तरह से रखे? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना जो है वो अपने सांस की दौरा फैलता है, तो श्वसन तंत्र अपना जो मास्क आप लगा के रखें और दूरी बना के रखें वो तो मेन मोटो है ही, लेकिन मेन ये है कि अपने को इम्यूनिटी बढ़ाना है, क्योंकि इम्यूनिटी जिनकी कम होती है उनको बहुत आसानी से एक वायरस चपेट में ले लेता है और उनके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी होती है। तो यदि बॉडी में उस वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाए तो इवन यदि व्यक्ति इन्फेक्टेड होता भी है तो बहुत आसानी से रिकवर हो जाता है और वो उस स्टेज तक पहुँचता ही नहीं है। होम क्वारंटाइन होके घर ही घरेलू दवाइयों से ही उसका इलाज किया जा सकता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, उसमें मेन तो आर्सेनिक एल्ब है, उसके अलावा कंडीशनल सिम्टोमेटिक चलती है होम्योपैथी, इसलिए होम्योपैथी में जैसे जैसे सिम्टम आए जी तो आर्सेनिक एल्ब तो आप प्रिवेंटिव ले ही सकते हैं, उसके अलावा सिम्टोमेटिक आप ब्राउनिया ले सकते हैं, रस्टॉक्स है, रूपेटोरियम है, तो ये होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन यदि हम रेगुलर करते रहेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और कोरोना तो छोड़िए इवन छोटे मोटे दूसरे वायरस जी जी वो सर्दी जुकाम वायरल फीवर से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। नहीं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बीमारी होने पे ही ली जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हम पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर करके रखेंगे, नहीं ये खाते रहेंगे तो इससे हम सेफ रहेंगे। ठीक है, तो मेन तो क्या है कि यदि जो पेशेंट जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनकी ड्रग चल रही है और दूसरी जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं जी, कई डिसीज़ है जैसे कैंसर पेशेंट हो गए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑटोइम्यून डिसीजेज हो गई, किडनी डिसीज़ हो गई, हार्ट डिसीज़ हो गई,
उनमें कुछ दवाइयाँ चल रही है उसमें पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इन लोगों को विशेष तौर से अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करना चाहिए, ब्लड शुगर का प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, ख़ास तौर से ऐसे समय में जब ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है तो प्रॉपर शुगर मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक L30 जो है वो बहुत अच्छी साबित हो रही है। अभी तक जो जो लोग ले रहे थे उनको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले हैं इसमें, तो या तो पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ नहीं है, इवन इन्फेक्टेड हुआ भी है तो बहुत जल्दी रिकवर हो गया है। एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी बीच में जैसे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, आपको भी इसमें जानकारी होगी, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद फिर अचानक एक दिन एक व्हाट्सअप आता है जी बिल्कुल कि आप ये गोली लीजिए जिससे आपको ऑक्सीजन का लेवल, तो कहाँ तक सत्य है वो सर? वो सत्य है बिल्कुल, और उसमें कई पेशेंटों को दवाइयाँ दी गई है और उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लगा है। कुछ पेशेंट्स तो जो हैं जैसे मेडिसिन चालू करी उसके अगले दिन से उनका ऑक्सीजन विड्रॉ हो गया और उनको बाद में ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनका ऑक्सीजन लेवल 98-99 मेंटेन हो गया, 95 से ऊपर ही चला है। तो कुछ केसेस में पर अपन ये नहीं कह सकते हैं कि हर पेशेंट को हर जगह ये एकदम इक्वली काम हो जाए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है जी, है ना, उसके लंग्स की कंडीशन क्या है, कितने उनका फाइब्रोसिस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होता है। पर फिर भी काफ़ी पेशेंटों ने उसको लिया है और इसका रेट भी, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। नहीं, नॉर्मली ये होता है कि आदमी एक और मिथ्या बनती है, मिथ्या है सच्चाई है वो आप बताएंगे, कि एलोपैथी तुरंत असर करती है, होम्योपैथी में बहुत समय लगता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, होम्योपैथी आजकल बिल्कुल तुरंत असर करती है, 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं और 7 दिन में 50-80% रिजल्ट मिल रहे हैं। वो अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर यदि हैं, वो प्रॉपर डायग्नोस डिसीज हो जाती है और सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं तो बिल्कुल तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। ये तो उनके लिए हो गया जिनके कोई प्री एक्वायर्ड डिजीज है जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है। इन केस अगर कोई बंदा है बिल्कुल फिट है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो क्या करे, क्या उसका खान पान या आहार विहार बदले या क्या करे जिससे कि ये बीमारियाँ उसके आसपास तक आए नहीं? उसमें जो है आपको फ्रूट्स, अभी जैसे गर्मी चल रही है, सीजनल ऐसा चल रहा है, तो आपको फल सलाद ज़्यादा लेना है, सिट्रस फ्रूट लेना है और पानी ज़्यादा पीना है जी, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। दूसरा, जैसे कोरोना के लिए हिसाब से यदि आपको डेली आप स्टीम इन्हेलेशन करना है, सादे पानी का भाप लेना है आपको, और नमक हल्दी के गरारे या केवल नमक के गरारे हल्के कुनकुने पानी से दिन में 3-4 बार करते रहें। तो इवन जो अभी ऐसे जो ब्लैक फंगस भी आ रही है जी, ये भी जो है ना माउथ से ही अटैक कर रही है। अच्छा, तो इसके लिए चाहिए मॉइस्चर, फंगस को, मेन फंगस के लिए मॉइस्चर जरूरी है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू में और जहाँ मॉइस्चर मेंटेन है वहीं से इन्फेक्शन करेगी। अच्छा, तो यदि आप नमक के गरारे कर रहे हैं प्रॉपर और स्टीम इन्हेलेशन कर रहे हैं तो इससे भी अपन काफ़ी हद तक बच सकते हैं, फंगस से भी बच सकते हैं। हाँ, अच्छा, फंगस ये किस कारण से हो रहा है? मतलब मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, कई बार मैंने सुना था टीवी पे भी किन्हीं परिचर्चा में कि ये कोरोना के बाद होता है, क्या ये सही है कि ये कोरोना के बाद होता है या बिना कोरोना के भी हो सकता है? नहीं, बिना कोरोना के भी होता है जी। अभी कुछ पेशेंट्स हैं जो चल रहे हैं जिनको भी कोरोना हुआ भी नहीं है लेकिन वो डायबिटिक हैं इसलिए उनको फंगस हो गया है। तो उस कंडीशन में ये है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी डायग्नोस होगा और होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपन जितनी जल्दी चालू करेंगे उतना उनका बचने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फंगस का स्प्रेड तुरंत रोका जा सकता है टाइम पे प्रॉपर यदि डायग्नोस हो जाए और मालूम पड़ जाए तो। होम्योपैथी में डॉक्टर साहब वैसे कौन कौन सी मेडिसिन है जो फंगस पे और कोरोना पे दोनों पे इक्वली काम करती हो? फंगस के लिए मेडिसिन अलग हैं, कोरोना के लिए तो जैसे मैंने आपको बताई है आर्सेनिक है, यूपेटोरियम है, जेलसीमियम है। उसके अलावा जो है फंगस के लिए मेन मेडिसिन जो है टेलुरियम है, सीपिया है, उसके अलावा क्रियोजोट है, थूजा है, फास्फोरस है। कंडीशन और सिम्टोमेटिक अपने को देना है, आर्सेनिकम मेटालिकम है, तो ये जितनी मेडिसिन्स हैं ये सब सिम्टोमेटिक देते हैं। पर कुछ जनरल मेडिसिन अपन तुरंत ले सकते हैं प्रिकॉशनरी भी, तो जैसे ही मालूम पड़ता है या अपने को सिम्टम्स आते हैं तुरंत अपन मेडिसिन लेके चालू कर दें तो इसको स्प्रेड से रोक सकते हैं। अब कोरोना के सिम्टम तो बहुत कॉमन हो गए हैं, सभी जानते हैं, फंगस के कोई खास सिम्टम जो ध्यान रख सके हम लोग? फंगस के सिम्टम्स में ये है कि छींक में मतलब नाक से या मुंह से कुछ काला डिस्चार्ज होना जी, नाक में मुंह में बदबू आना जी, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होना, उसके अलावा चेहरे पे सूजन,
आँखों के नीचे सूजन जी, दर्द नाक के आसपास हड्डियों में दर्द, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे अपने को मालूम पड़ सकता है। यदि ऐसे सिम्टम्स या लालपन दिखे नाक के आसपास, आँखों के नीचे लालपन दिखे, मुंह में दांतों में दर्द, दांतों में फंगस, गले में दर्द, क्योंकि थ्रोट और मतलब गम्स में ज़्यादा सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, माउथ और गम्स में होगा और नोज़ में, नोज़ के बाद ये फिर जाएगा साइनस में, तो आँखों के नीचे जाएगा, फिर आइज़ में, फिर ब्रेन्स में, और इवन ब्रेन तक जा सकता है, तो क्रेनोटोमी भी करना पड़ती है। तो ये इससे पहले कभी फंगस नहीं सुना था, अचानक ये अभी ही क्यों? अभी कोरोना में कुछ मेडिसिन दी जा रही है जिसमें स्टेरॉयड का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है जी, तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड की इस्तेमाल से बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण ये फंगस अटैक कर रहा। फंगस तो पहले भी था, कंटिन्यूस था, पर ये लोगों में होता नहीं था क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी लोगों की थी। अब ये मेडिसिन के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, इसके कारण वो अटैक कर रहा है। और इसमें बचाव में मेन यही है कि आप मेन तो खेत में गीली मिट्टी, बगीचे में, इसमें आप जाएं तो फुल ग्लव्स पहने, मास्क पहने, कैप पहने, क्योंकि ये जनरली पेड़ पौधों, काली मिट्टी, खेत में, इसी जगह पे होता है, नमी वाले वातावरण में और गीली जगह पे मॉइस्चर रहेगा वहाँ फंगस होने का खतरा ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई अपने शहर की बात, अब गांव में जो बंदा है उसको तो खेत में जाना ही है, गीली मिट्टी में भी जाना है, वो क्या प्रिकॉशन करेगा दस्तानों के अलावा? दस्ताने और मास्क पहने, उसके अलावा जब भी अपने काम से आए तो उसको आते ही नहाना है, प्रॉपर बाथ ले, अच्छे से साबुन से नहाएं, उसके अलावा स्टीम इनहेलेशन लेना और नमक के गरारे करने, ये डेली रूटीन में बना के रखें। अब हम डॉक्टर साहब से कुछ चर्चा अलग से करेंगे, अलग से मतलब आहार के बारे में। तो हमारा मेन अभी मोटो यह है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका आहार पान कैसा होना चाहिए कि वो स्वस्थ है और भी ज़्यादा स्वस्थ रहे और उसकी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसमें फल या अनाज या सब्जियाँ कौन सी कैसे खानी है ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सर जी, स्वस्थ व्यक्ति किस तरह का आहार ले? जैसे अभी एक जो नॉर्मल रूटीन टाइम होता है कि सुबह 8 बजे नाश्ता किया, 12 बजे खाना खाया, फिर 4 बजे कुछ किया, फिर 8 बजे कर लिया, ये एक नॉर्मल चार्ट रहता है जी, बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह 8 बजे भी खा ले फिर 12-1 बजे खा ले। तो सामान्य रूप से हम अपनी बॉडी की आवश्यकताओं को ऐसे कौन से आहार हैं जिससे पूरी कर सकें और किस तरह से लें? जी, इसमें जो नॉर्मल रूटीन है उसमें कुछ फल सलाद की मात्रा बढ़ाना है, जूस की मात्रा बढ़ाना है, दूसरा कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनका रेगुलर डाइट में सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे बॉडी की इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों ही इम्प्रूव रहेंगे। ठीक है, तो अपने को हेल्दी डाइट नहीं लेना है, मतलब हेवी डाइट जिसमें ऑयली फैटी फूड हो गए और मिर्च मसाले वाले ज़्यादा खाना, उनको कम से कम करें, सादा भोजन करें, उसमें फल सलाद ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पीना है जी। दूसरा बता दूँ, जैसे डायबिटीज़ यदि पेशेंट को है तो उसको फिर मीठे फल नहीं लेना है, केले, चीकू, अंगूर, जिससे उसका शुगर लेवल इंक्रीज हो, जिससे शुगर लेवल इंक्रीज उनको अवॉइड करना है, उनको अवॉइड करना है। बाकी ये सब चीज़ें लेते रहेंगे तो ठीक है, शुगर कम लेना है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं तो उनको साल्ट कम इंटेक करना है, नमक वाली चीज़ें कम से कम खाएं और पानी की मात्रा बढ़ाएं, हाइड्रेट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है इसमें कि बुज़ुर्गों का ख्याल कैसे रखें? घर में हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, इनका ख्याल कैसे रखें? बुज़ुर्गों के लिए भी केवल डाइट से ही अपन प्लान कर सकते हैं क्योंकि बुज़ुर्ग लोग तो बाहर ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं। दूसरा, घर में भी जो व्यक्ति बाहर जाता है, जैसे यंग एडल्ट लोग बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो उनसे उनका संपर्क कम से कम रहे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, बुज़ुर्ग जैसे माता पिता हैं, दादी है, तो उनको अपने कमरे में आइसोलेट ही रखें, ज़्यादा उनके संपर्क में वो नहीं आए जो बाहर से आ रहा है व्यक्ति। ठीक है, थोड़ा आइसोलेशन रखें और उनका हेल्दी डाइट प्लान चलने दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बाहर ज़्यादा जाते नहीं हैं तो उनको चांसेस कम। वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाहर अगर अत्यंत आवश्यक कोई काम हो तो निकले, अन्यथा बाहर निकलने की आवश्यकता है ही नहीं। नहीं सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वैक्सीनेशन हमारे देश में काफ़ी तेज गति से चल रहा है जी, आपने भी अपनी वैक्सीन ले ली होगी, मैंने भी अपनी वैक्सीन लगा ली है, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है और तुरंत क्यों लगवानी चाहिए? वैक्सीन तो बिल्कुल लगवानी चाहिए,
मेरा भी 1 जनवरी में हो गया था और सेकंड वैक्सीनेशन का डोज हमको फरवरी में लग चुका है जी। और मेरे घर में भी माता पिता को भी लग चुके हैं दोनों डोज। मैं कहना चाहूँगा कि सारी जनता जितने भी पब्लिक्स हैं, आपको सारों को वैक्सीनेशन मस्ट है, वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए। वैक्सीनेशन से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है और उस वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। इससे रिस्क फैक्टर कम से कम होता है और यदि इन्फेक्टेड हुए भी तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट फेटल नहीं होता, सीरियस नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, सभी का जिस जिस भी क्राइटेरिया में आ रहे हैं वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी और पूरा कराएं। हमारी टीम की तरफ से भी सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं। जितनी जल्दी आप वैक्सीनेशन करा लेंगे उतनी ही जल्दी आप खुद को और अपने परिवार को और अपने आसपास को सुरक्षित रख लेंगे। हाथ बार बार धोना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, 2 गज की दूरी रखना ही है और मास्क जरूर पहनना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।